हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक और न्यू ब्लॉग में, और मैं आया हूँ यहाँ पर द्रोणा सागर में। तो आपको दिखा देता हूँ, ये सामने पीछे आप झील देख रहे हैं, तो झील है सामने। इस झील का निर्माण महाभारत के समय पर हुआ था, तो आपको दिखा देता हूँ सामने। तो दोस्तों, इस झील को द्रोणा झील भी बोलते हैं, और ये महाभारत के समय का झील है। तो दोस्तों, ये झील 5000 साल पुराना है। इस झील को पांडवों ने बनवाया था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा प्रदान की थी, और शिक्षा प्रदान करने के बाद गुरु द्रोणाचार्य जी ने गुरु दक्षिणा मांगी थी। तो गुरु दक्षिणा के रूप में पांडवों ने इस झील का निर्माण करवाया था, तभी से इस झील को द्रोणा सागर झील कहा जाता है। तो दोस्तों, इस झील का पानी अब सब पूरा सूख गया है, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। चारों तरफ पेड़ पौधे नज़र आएंगे, और आपको पेड़ों से जो जड़ी झड़ा हुआ सारा पत्ते उत्ते नज़र आएंगे पूरा। आप चारों तरफ देख लीजिए कितना ख़राब हो गया है झील, गंदा भी हो गया है। लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार का हो गया है दोस्तों। ये द्रोणा सागर के अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी भगवान की प्रतिमा दिखाई देगी, और यहाँ पर आजकल कांवड़ियों का भी काफ़ी आवागमन हो रहा है। आप देख सकते हैं सामने कांवड़ियाँ हैं, बहुत सारे आ रखे हैं। दोस्तों, आजकल कांवड़ियाँ आ रखे हैं, काफ़ी भीड़ हो रखी है मंदिरों में आजकल। आप देख सकते हैं दोस्तों, सामने कांवड़ वाले आ रखे हैं, तरह के कांवड़ लगे हुए हैं। ये कांवड़ लोग दोस्तों इसलिए लगा रखे हैं, यहाँ पर टांग रखे हैं, क्योंकि इनको नीचे रखना सही नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, ऊपर नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है। द्रोणा सागर के जैसे वहाँ एंट्री करोगे तो आप उनको नीलकंठ महादेव का मंदिर मिला है, दिखाई देगा। तो नीलकंठ महादेव का मंदिर सामने आप देख सकते हैं। इस प्रकार से है, मूर्तियाँ लगी हुई है यहाँ पर भी। मूर्ति श्री कृष्णा एवं राधा जी की है, ये श्री कृष्णा और राधा जी की तो लिखा भी हुआ है यहाँ पर। गणपति बापा जी की भी मूर्ति है, और नंदी महाराज की भी मूर्ति आपको दिखाई दे जाएगी यहाँ पर। ये शिवलिंग भी है यहाँ पर। जैसा दोस्तों मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर आपको भगवान की मूर्तियाँ भी दिखाई देंगी, जिनकी पूजा भी की जाती है इस स्थल में। दोस्तों, ये लिखा हुआ है श्री नीलकंठ महादेव द्रोणा सागर काशीपुर उधम सिंह नगर। दोस्तों, ये भी है। तो दोस्तों, ये इसका बैक साइड का है। दोस्तों, ये भी है चटेश्वर महादेव मंदिर। क्या? यहाँ पर भी आपको शिवलिंग दिखाई दे जाएगा। दोस्तों, आसपास का ऐसा है, यहाँ पेड़ ही पेड़ है। इसके बगल में भी कुछ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का। ये इसका बैक साइड है दोस्तों।
इस तरह से यहाँ पर दिखाई देता है ये द्रोणा सागर, जो आपका काशीपुर में पड़ता है। काशीपुर से मात्र 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इस तरह से दोस्तों ये आपको सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। आप भोले बाबा की मूर्ति दे सकते हैं, बहुत ही पुरानी मंदिर, प्राचीन काल की। दोस्तों ये है राधा कृष्ण मंदिर, अभी ये बंद कर रखा है। अभी मैं आपको बाहर से ही वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो इसका गेट दोस्तों 4 बजे खुलता है, राधा कृष्ण का मंदिर है। तो आपको जैसे ही आप राइट साइड को एंट्री करेंगे, तो राइट साइड में आप देखेंगे राधा कृष्ण का मंदिर। शुरुआत में आपको राधा कृष्ण का मंदिर दिखाई देगा। इस प्रकार से दिखाई देता है दोस्तों, इस तरह से दिखाई देता है। तो ये इसका मेन गेट है, यहीं से आप एंट्री करेंगे। दोस्तों ये लिखा हुआ है श्री तीर्थ द्रोणा सागर, इस टाइप का दिखाई देगा। तो यहीं से आपने एंट्री करना है। तो आपको राइट साइड में राधा कृष्ण की मंदिर दिखाई देगा। आपको यहाँ पर तरह तरह के भगवान की मूर्तियाँ दिखाई देंगी। सामने दोस्तों ये रोड है, तो यहीं से काशीपुर से ही मान के चल लीजिए आप 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ये द्रोणा सागर। यहाँ पर पर्यटकों की आजकल काफ़ी भीड़ है, क्योंकि कांवड़ियों का समय है, तो अपना विश्राम करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। नगर और राज्य उत्तराखंड में पड़ता है और शहर काशीपुर में पड़ता है। जैसे आप एंट्री करेंगे दोस्तों, तो आप इस प्रकार दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर द्रोणा सागर की झील दिखाई देगी, जो महाभारत के कालीन से का समय का है। और ये झील अब सूख गई है। ये जो झील है, द्रोणाचार्य जी ने जब शिक्षा दी थी कौरव और पांडवों की, तो कौरव और पांडवों ने इस झील का निर्माण करवाया था। तो तब से ये झील है, ये तो बहुत पुराना झील और प्राचीन काल का झील है और बहुत ही पुराना। के साथ दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। आपके अति कृपा होगी। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।